तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हो। ठीक है, इधर पे हमने मूवी वेबसाइट की बात की थी, अब हम अपने मूवी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से लाए वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इधर पे आपको क्वेरा को यूज़ नहीं करना, क्योंकि क्वेरा मूवी वेबसाइट के लिए कभी भी नहीं बना होता। हम आज यूज़ करेंगे पिंटरेस्ट को, एंड पिंटरेस्ट को आपको किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा इधर पे पेड मेथड रहता है एंड कौन सा फ्री मेथड रहता है, दोनों मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड ऐसे करके जो है आप अच्छे खासे पिन्स डाल के पिंटरेस्ट पे अपने मूवी वेबसाइट के ऊपर स्टार्टिंग डेज में ट्रैफिक लेके आ सकते हो। और अगर आप अच्छे से काम करते हो तो डेली का आपका जो 1000 का ट्रैफिक जो है पिंटरेस्ट से आने लगेगा। एंड ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है अच्छे से मैं अभी आपको ये समझाता हूँ कि आप कैसे करके इसके ऊपर काम करोगे एंड आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इधर पे। तो मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ, जैसे कि आप लोग इधर पे देख सकते हो। एंड अब आपको क्या करके इधर पे स्टेप्स करने हैं वो सारे मैं आपको इधर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले तो देखो, आपको अपनी पिंटरेस्ट वेबसाइट को खोलने का अकाउंट बना लेना है, फ्री में बन जाएगा, अपनी जीमेल अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब इधर पे आप इमेजेस को डालो, आप इधर पे क्या करोगे, फोटोज़ को डालोगे जो भी मूवी रिलीज होती है, या फिर आपका अगर व्हाट्सएप स्टेटस का भी वेबसाइट है तो आप बस फोटो को डालो और फोटो के अंदर लिंक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार इधर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक इमेज खोला, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसमें कैसे करके रहते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज खोल दिया तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि भाई ये सिर्फ एक टाइटल है एंड ये इमेज है। जब मैं देखो क्या करूँगा कि इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, इस इमेज पे मेरे को एक लिंक मिलेगा। ऐसे करके लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं एंड इससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। पिंटरेस्ट का ट्रैफिक मिलियंस में गाइस, तो इधर से आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। इवन क्वेरा से ज़्यादा ट्रैफिक पिंटरेस्ट से आता है, ठीक है। तो आपको मैं अच्छे से समझाऊं कि इधर पे आपको कैसे करके काम करना है। इधर पे बहुत सारे लोग मार्केटिंग के लिए भी पिंटरेस्ट को यूज़ करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। खुद मैं अपनी वेबसाइट्स के ट्रैफिक के लिए इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एकदम इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पे क्या रहता है कि मैं इसको लेता हूँ एंड बहुत ही अच्छा खासा रहता है। इस पे जो है आपको अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपने वेबसाइट का ट्रैफिक जो है स्टार्टिंग डे से इधर पे बढ़ा सकते हो। और इवन देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि लोगों के जो ऐसे फोटोज रहते हैं जिनको हम पिन बोलते हैं, आप उनको अपने पिन में डाल सकते हो। तो उससे क्या रहेगा कि वो थोड़ी एक फ्रेंडशिप टाइप की बन जाती है एंड वो बंदा भी बाद में आपके शेयर करेगा। तो ऐसे करके जो है आपको ज़्यादा बंदे इधर पे मिलेंगे, आपको ट्रैफिक आएगा। तो मैं आपको पूरी चीज़ एक बार समझा देता हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये पिंटरेस्ट का जो इमेज है तो सिर्फ इधर पे रहेगा, इससे ज़्यादा ट्रैफिक कैसे आएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो पिंटरेस्ट के सिर्फ इमेजेस है, ठीक है, विदाउट मोर कॉन्टेंट ये इजिली गूगल पर रैंक हो जाता है। मैं एक बार आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। एंड जैसे कि मैं इधर पे कॉपी करता हूँ पिंटरेस्ट का URL एंड मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो अपने इधर पे जो टूल के अंदर जाऊँगा एंड आपको साइज ये दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अपने ऐसे टूल के अंदर इधर पे जाऊँगा एंड आपको साइज की साइज ये बता दूंगा। और अगर आपको ये ऐसी टूल चाहिए, ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लेने जाओगे HRFs को, जो कि आपको मालूम होगा कि बहुत ही अच्छा SEO टूल है, इसको प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं एंड इसलिए मैं खुद यूज़ करता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे लेने जाओगे तो ये 7000 रुपये का पड़ता है एक महीने का। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहाँ से अगर आप पिंटरेस्ट इधर से HRF को खरीदते हो तो ये सिर्फ आपको 300 रुपये के अंदर मिल जाएगा एंड उसके बाद आप इसको बहुत ही अच्छे रिसर्च एंड कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं इस वीडियो में पूरा आपको समझाता हूँ कैसे करके आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं एक बार इधर पे जो इस URL को लगा देता हूँ एंड सर्च डाटा कर देता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके पूरे वेबसाइट को देख सकता हूँ, इसके पूरे कीवर्ड्स को देख सकता हूँ एंड साथ ही में इसकी रैंकिंग क्या कैसे चल रही है। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपके सामने इधर पे जो है पिंटरेस्ट का डाटा निकाल के रख दिया, ठीक है। इधर पूरा का पूरा डाटा रीलोड होके आ रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड पूरा अभी मैं आपको बता दूं कि आप कैसे करके जो है इस पर काम करने वाले हो एंड क्या कुछ जो इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें सबसे पहले तो आपको टोटल ट्रैफिक पूरा दिखाया था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसमें जो है कितना आता है। तो जस्ट ये एक बार लोड हो रहा है एंड वो चीज़ आप इधर पे देख सकते हो कि भाई 500 के भी ऊपर इधर पे आ रहे, देखो इधर 500 मिलियन करके ट्रैफिक है, ठीक है। और इधर पे आपको जाना है किधर पे, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको जाना है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर, आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के अंदर जाना है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बहुत ही मेन पार्ट इधर पे आपके लिए रहने वाला है एंड ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाकर के आपको आगे का काम करना है इधर पे, ठीक है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के अंदर में चले गया, इधर पे आपको लिखना है मूवी, ठीक है। मैं एक बार आपको इधर पे दिखा देता हूँ कैसे करके आपको सर्च करना है। तो मैंने इधर पे लिख दिया फॉर एग्जांपल मूवी, ठीक है। तो जो भी पिन से इसकी रैंक हो रही गूगल पे वो मेरे सामने आ जाएंगी और मैं एज अ प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कैसे करके जो है पिंटरेस्ट के इधर पे इमेजेस रैंक होते हैं गूगल पे और आपकी इमेजेस भी इधर पे कैसे रैंक हो सकते हैं गूगल पे, ठीक है। जैसे कि आप लोग इधर पे देख सकते हो कबीर सिंह डाउनलोड, तो इसकी पोजीशन 2 आ रही है। तो मैं एक बार सर्च करके देख लेता हूँ
कि क्या ये सच बोल रहा है इधर पे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इधर से कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जस्ट इधर साइड में जाऊँगा, एंड साइड में जाने के बाद जो है मैं इधर पे डाल दूंगा अपने गूगल क्रोम के अंदर ये कीवर्ड, एंड इसको सर्च करूँगा। ठीक है, मैंने इसको सर्च कर लिया एंड आपके सामने पूरा रीलोड हो रहा है और आपके सामने पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो इधर पे पिंटरेस्ट का पिन जो है रैंक हो रहा है, ये सिर्फ एक इमेज है जो रैंक हो रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे करके आपके मूवी वेबसाइट के लिए जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है ना वो रीडायरेक्ट होकर के आएगा, तो बहुत ही सही इधर पे रहने वाला है। इसलिए मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ एंड आप लोग भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और Ahrefs एक बेस्ट टूल है इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए। इवन आप यहाँ से कीवर्ड्स का आइडिया भी निकाल सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर पे मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए और मेरे को लो कंपटीशन कीवर्ड चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको 0-0 कर सकता हूँ, एंड उससे क्या हो कि लो कंपटीशन वाले जो भी कीवर्ड्स रहेंगे ना वो मेरे को मिल जाएंगे। मतलब अगर मेरे को साइट कल को खोलनी है तो मैं आइडियाज़ के लिए भी इस वाली वेबसाइट को यूज़ कर सकता हूँ। पिंटरेस्ट से मैं अपने कीवर्ड्स के आइडियाज़ निकाल के उसी के ऊपर मूवीज़ डाल के फिर पिंटरेस्ट में पिन डाल सकता हूँ, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं इधर पे आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ सर्च करके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने फिल्टर में इधर पे कीवर्ड डिफिकल्टी जो है 0 कर दी, एंड ये सारे कीवर्ड्स मेरे सामने आ गए जिनका कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है। मतलब इन पे रैंकिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो आपकी आर्टिकल आराम से 6-7 महीने के अंदर आराम से रैंक हो जाएगी अगर नहीं है, और अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है ठीक है तो ये आराम से 2-3 महीने के अंदर रैंक हो जाएगी। मूवी वेबसाइट के लिए बहुत ही सिंपल सा काम रहता है, पिंटरेस्ट का यूज़ करो, कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हो एंड साथ ही में अपने साइट को भी प्रमोट कर सकते हो। अभी जैसे कि आप सब इधर पे देख सकते हो कि ये रैंक हो रहा है, और ऐसे वे में जो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ जाता है और साथ ही में इंटरनल ट्रैफिक भी आ जाता है। ठीक है, तो पिंटरेस्ट को आप इस वे में पूरा यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पूरा बताया इधर पे कि ये रैंक होता है कि नहीं होता है एंड कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इधर पे हम जो है अपने पिंस को डालेंगे कैसे। हाँ, पिंटरेस्ट को मैंने एक बार आपको दिखा तो दिया कि कैसे करके इधर पे ये कुछ रहता है और ये रैंक होता है कि नहीं होता। अब पिंटरेस्ट में काम कैसे करना है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको जस्ट सिंपल वे में क्या करना है, इधर पे अपने पिंस को डालना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आप पिंस को कैसे डाल सकते हो। पिंस डालना है यानी आपको इमेजेस को डालना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ये चीज़। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर पे एक प्लस का बटन आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्रिएट अ पिन के ऊपर आपको बस क्लिक कर देना है। और देखो इधर पे जो है आपको बोर्ड्स भी बनाने पड़ते हैं, आप बोर्ड्स भी बना सकते हो इधर पे। देखो आपको जिस भी कीवर्ड के लिए रैंक होना है वो कीवर्ड इधर पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर पे जो अभी कीवर्ड इधर पे कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो जैसे आप SEO का डिस्क्रिप्शन लिखते हो वैसे ही में डिस्क्रिप्शन लिखना है। और मैं फास्ट करके इसको दिखा दे रहा हूँ बस ऐसे ही करके। तो आपको ऐसे करके सिंपल वे में काम करना है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं इधर पे कोई भी इमेज को डाल देता हूँ, आपको अपनी मूवी का इमेज डालना है। ठीक है, मैं इधर पे बस एज अ एग्जांपल दिखा रहा हूँ करके, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ अपनी मूवी का डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी इधर पे डाल दोगे, और बहुत ही ज़्यादा क्लिक बेटिंग एंड इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि लोग आकर के क्लिक करें और आपकी उस मूवी को जाके देखे। तो ऐसे करके आपको बहुत ही अच्छा खासा जो है ट्रैफिक इधर से मिल जाता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करो। मैं तो इधर से कुछ भी पिक कर ले रहा हूँ, एंड आप भी इधर से जो है अच्छी खासी इमेज को पिक कर लेना। मैं जस्ट ऐसे ही करके इधर पे लगा रहा हूँ ये वाला इमेज। आप अपना कोई भी इमेज लगा सकते हो जो कीवर्ड्स रिलेटेड रहे। मैं ये इमेज जल्दी से यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको बस एक बार समझाने की कैसे करके पूरा काम रहने वाला है। और फिर यहाँ से जो है आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है कि भाई कौन सा बोर्ड में आपको रखना है। तो मैंने इधर पर बोर्ड सिलेक्ट कर लिया, एंड उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि इधर पर अपना डेस्टिनेशन लिंक डालूंगा, यानी इस इमेज के ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो कौन सी लिंक के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, मतलब कौन से वेबसाइट के ऊपर चले जाएगा या आर्टिकल के ऊपर चले जाएगा, तो वो आपको इधर पे डालना है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब का URL लेता हूँ। आपको अपनी आर्टिकल का लिंक देना है जिसमें आपने वो मूवी डाल रखी है और वो डाउनलोड करेगा वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पे आपने मोनिटाइज कर रखा है, ट्रैफिक इधर से उधर डायरेक्ट गया, तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। मैंने आपको दिखा दिया कि रैंक भी होता है, तो बस आपको सिंपल वे में जो है इसमें काम करना है एंड आपकी सारी की सारी चीज़ें इधर पे पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और इधर पे मैंने बस सेव के ऊपर क्लिक कर दिया और ऐसे करके सेव हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक बार मैं आपको इधर पे दिखा देता हूँ, तो ऐसे करके सेव हो गया आपके सामने है पूरा का पूरा। तो ऐसे करके सिंपल वे में सेव हो जाता है, आप लोग भी आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर पे पूरा वेबसाइट आ रहा है और ऐसे ही करके पूरा रहता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, आपको बस एक पिन डालने में इधर पे 2 मिनट लगेंगे। और डेली मैं आपको इधर पे एक शेड्यूल टाइप में बोल रहा हूँ कि आपको डेली इधर पे 50 पिन्स डालने हैं, यानी आप 10 दिन के अंदर अगर एक एक दिन के अंदर 50 पिन्स डाल दो तो 10 दिन के अंदर आप 500 पिन डाल दोगे। और ऐसे ही अगर कंटिन्यू करते हो तो आप 30 दिन के अंदर 1500 पिन को डाल दोगे। और 1500 पिन डालने के बाद आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक जो है डेली का मोर देन 2-3000 रहेगा,
और इतना ट्रैफिक भी रह सकता है कि अगर आप ब्लॉगस्पॉट की जगह कुछ और यूज़ कर रहे हो होस्टिंग, तो क्रैश भी हो सकती है। तो अच्छी होस्टिंग लो, नहीं तो ब्लॉगस्पॉट पे काम चला लो। कोई ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है पिंटरेस्ट से, और पिंटरेस्ट को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पिंटरेस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और एचरेफ टूल का, जो भी इंटरेस्टेड है इनको यूज़ कर सकती है, एकदम बेस्ट रहते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मेरे को यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी क्या। तो आपको ऐसे ही करके काम करना है और आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने लगेगा स्टार्टिंग डेज में, और अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। एंड इवन अगर आपके इधर में मूवी बायोग्राफी वेबसाइट भी है तो आप अच्छा खासा उसको चला सकते हो पिंटरेस्ट के ट्रैफिक के साथ। पिंटरेस्ट में ऐसी चीज़ें जो अच्छे से चल जाती है और आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा, और आप उसको गूगल एडसेंस से मोनिटाइज कर सकते हो। अगर सिर्फ बायोग्राफी के ऊपर वेबसाइट है तो आप इजीली मोनिटाइज कर सकते हो, अगर डाउनलोडिंग वेबसाइट है तो नहीं कर सकते। आप पॉप एड्स को यूज़ कर सकते हो उसमें, ठीक है, पॉप एड्स यूज़ करो अगर डाउनलोडिंग वेबसाइट है, और अगर यहाँ पे बायोग्राफी की वेबसाइट है तो आप एडसेंस को आराम से यूज़ कर सकते हो, और पिंटरेस्ट इस ट्रैफिक के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप इस वीडियो को फॉलो करोगे, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल देना, मैं उसको आंसर कर दूंगा।